अच्छी बात है, चंद्रयान पहुंच रहा है तो भगवान का बहुत बड़ा कृपा रहा। चंद्र जो है देवता है चंद्र, उनका कृपा हुआ तब वो चंद्रयान वहां पहुंचा, तो उनका कृपा नहीं होता तो चंद्रयान वहां नहीं पहुंचता। तो चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता कि कहाँ क्या है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया है, इस खबर पर न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। हैरत की बात यह है कि बिहार समेत देश के कई नेताओं को इसके बारे में ठीक से मालूम ही नहीं है। पत्रकारों ने जब मिशन चंद्रयान 3 के बारे में मंत्री तेज प्रताप यादव से पूछा तो बड़ा ही अजीब जवाब मिला। वहीं आरजेडी के एक प्रवक्ता ने तो अमेरिकी एजेंसी को धन्यवाद कह डाला। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की जहां पूरी दुनिया लोहा मान रही है, हिंदुस्तान के लिए ये गौरव का पल है, मगर कई नेताओं से जब चंद्रयान 3 को लेकर सवाल किया गया तो बड़ा ही अजीब जवाब मिला। ऐसा लगता है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ बयानवीर बनने की राह पर हैं, उन्हें फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, बता दें कि आरजेडी कोटे से मंत्री तेज प्रताप यादव और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। ऐसा लगा कि इन दोनों नेताओं को चंद्रयान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तेज प्रताप यादव ने मौसम की जानकारी देने वाला बता दिया तो शक्ति यादव ने अमेरिकी एजेंसी नासा को बधाई दे दी। दिन भर तरह तरह की बयान देकर मीडिया में छाए रहने वाले नेता चंद्रयान ज्ञान के मामले में पूरी तरह फेल हो गए। एक बार फिर से बता दें कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग को लेकर बिहार सरकार के मंत्री व लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चंद्र देवता की कृपा से चंद्रयान चांद पर पहुंचा। उन्होंने वैज्ञानिकों को उनके इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया तथा इसे मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह करार दिया। बता दें कि बिहार के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव से जब चंद्रयान 3 को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान मौसम का पता लगाता है। उन्होंने आगे कहा कि चंद्रयान ऊपर अंतरिक्ष के ग्रहों का पता लगाता है कि कहां क्या है। जो वैज्ञानिक इसमें हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। बात यही नहीं रुकी। बिहार के सत्ताधारी आरजेडी के प्रवक्ता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नजदीकियों में शुमार शक्ति सिंह यादव ने तो चंद्रयान को अमेरिका तक पहुंचा दिया। एक यूट्यूबर के सवाल पर उन्होंने कहा कि चंद्रयान की जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पर हुई है इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। देश के वैज्ञानिकों ने कई बार कई सफल कार्यक्रम किया है। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हुई, नासा के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद है। इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है? वैसे जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान न तो मौसम के बारे में जानकारी देगा और ना ही अमेरिकी एजेंसी नासा ने इसे लॉन्च किया है। चंद्रयान चांद के रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा और भारतीय एजेंसी इसरो ने इसे लॉन्च किया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया है। इस खबर पर न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। वही हैरत की बात यह है कि बिहार समेत देश के कई नेताओं को इसके बारे में ठीक से मालूम ही नहीं है। बता दें कि पत्रकारों ने जो मिशन चंद्रयान 3 के बारे में मंत्री तेज प्रताप यादव से पूछा तो बड़ा ही अजीब जवाब मिला। वहीं आरजेडी के एक प्रवक्ता ने तो अमेरिकी एजेंसी को धन्यवाद कह डाला। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की जहां पूरी दुनिया लोहा मान रही है, हिंदुस्तान के लिए ये गौरव का पल है, मगर कई नेताओं से जब चंद्रयान को लेकर सवाल किया गया तो बड़ा ही अजीब जवाब मिला। ऐसा लगता है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ बयानवीर बनने की राह पर हैं, उन्हें फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आरजेडी कोटे से मंत्री तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। ऐसा लगा कि इन दोनों नेताओं को चंद्रयान के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तेज प्रताप यादव ने मौसम की जानकारी देने वाला बता दिया तो वहीं शक्ति यादव ने अमेरिकी एजेंसी नासा को बधाई दे दी। दिन भर तरह तरह की बयान देकर मीडिया में छाए रहने वाले नेता चंद्रयान ज्ञान के मामले में पूरी तरह फेल हो गए।